मंगलसूत्र के मामले में मचे घमासान के बाद अब बिलासपुर के सरकारी गेस्ट हाउस छत्तीसगढ़ भवन का शौचालय विवाद सुर्खियों में बनते आ रहा है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम को छत्तीसगढ़ भवन का शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। दरअसल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर से बिलासपुर पहुंची। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन के टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए केयरटेकर से अनुमति मांगी, लेकिन छत्तीसगढ़ भवन के केयरटेकर राजेंद्र यादव ने आचार संहिता का हवाला देते हुए टॉयलेट इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अपनी इस पीड़ा को अलका लांबा ने बिलासपुर कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में महिलाओं से साझा करने के बाद सोशल मीडिया अकाउंट में वीडियो पोस्ट किया है। आपसे आदेश, आदेश दो दिन पहले नियम कानून ये लिखा है। नहीं नहीं, नियम कानून नहीं बोला तो नहीं आए यहाँ पे तो नहीं। एक सेकंड, मैं आपसे फिर क्या पूछ रही हूँ। आचार संहिता नियम कानून ये कहता है कि अगर किसी महिला को शौचालय की जरूरत हो तो सरकारी गेस्ट हाउस में चुनाव में आप शौचालय भी नहीं इस्तेमाल कर सकती सरकार का। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इसके बारे से एकदम सबसे नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका मत क्या कहता है। महिला सांसद है, राज्यसभा सांसद है फूलो देवी जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हमें शौचालय इस्तेमाल करना है और आप हमें ये कह रहे हैं कि सर्किट हाउस में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला हूं मैं, छोड़ दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और छोड़ दीजिए वो राज्यसभा सांसद है, छोड़िए, हम अब एक शौचालय जाना चाहते हैं। रायपुर से बिलासपुर का 2 घंटे के सफर में हमें शौचालय नहीं मिला, हम शौचालय के लिए रुके और आप कह रहे आचार संहिता, हम आपको उतर के शौचालय नहीं इस्तेमाल करने देंगे। मैं पूछ रही हूँ, पूछिए ये क्या आचार संहिता है, मुझे समझ नहीं आती। हम तो छोटे कर्मचारी मैडम, नहीं नहीं छोटा बड़ा का बात नहीं, आप तो कुछ भी नहीं, आपका तो बात भी नहीं आ रहा है। आप जिस नियम कानूनों का हवाला दे रहे हैं, आई नो छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन सरकार है।